हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई। ये ड्रेस मैंने सलाइयों से बनाई है। इस ड्रेस को हम 2 कलर की ऊन में बना सकते हैं। ये मैंने इसमें 2 कलर की ऊन से बनाया है। इस तरह की चोली बनाना मैंने अपने पहले वीडियो में बनाया है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें मैंने 1 कलर की ही चोली बनाई है और पूरी ड्रेस मैंने 1 कलर से बनाई है। इस वाली में मैंने ये ड्रेस 2 कलर से बनाई। ये ड्रेस है हमारे 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस के लिए मैंने सिलाई में 14 फंदे डाल लिए, उल्टी सिलाई निकाल ली। अब इसमें हम पहला फंदा उल्टा बनाते हैं, दूसरा फंदा हम सीधा बनाते हैं, तो ये हमारे आगे के 2 फंदे हो जाते हैं आगे के। फिर हम ये अगला तीसरा फंदा इसके दोनों तरफ जाली बनाते हैं, जो हमारे जाली बनती है दोनों तरफ। तो ऊन को आगे करते हैं, फिर इस फंदे को सीधा बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये जाली बन जाती है, फिर ऊन को आगे करते हैं। अब जाली बनाते हुए हम बाजू के 2 फंदे बना लेते हैं, 2 फंदे हम सीधे बना लेते हैं, 2 फंदे सीधे हो गए हमारे बाजू के। वापस से हमारा जाली का फंदा आ गया है, इसके ऊपर हम दोनों तरफ जाली बनाते हैं। तो ऊन को आगे करते हैं, पहली जाली बनाई हमने, फिर ऊन को आगे करते हैं और फिर जाली बनाते हुए हम पीछे के 2 फंदे भी बना लेते हैं। तो हमारे पीछे के हिस्से के 2 फंदे हो गए अभी है। फिर हम वापस से हम जाली बनाते हैं, तो ऊन को आगे लेते हैं और इस फंदे को हम सीधा बनाते हैं, तो जाली बन गई। ऊन को वापस आगे लेते हैं, फिर जाली बनाते हुए 2 फंदे हम बाजू के बना लेते हैं, 1 और 1, 2 फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब आगे के फिर हमारा 1 फंदा आ गया, जिसके जो दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे। पहला फंदा ऊन आगे ली हमने, फिर हमने जाली बनाई, फिर आगे के ऊन को वापस आगे लेते हैं और आगे के 2 फंदे बनाते हैं। तो पहला फंदा तो हम सीधा बनाते हैं, दूसरा फंदा हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह हमारी ये पहली रो बन गई। इसमें हमारी 4 जगह जालियाँ बन जाती हैं। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल लेते हैं। इस तरह हमने इसमें उल्टी सिलाई निकाल ली है। उल्टी सिलाई निकालने के बाद हम इसमें तीसरी सिलाई में आ गए। तो पहला फंदा हम उल्टा निकालते हैं। अब शुरू में हमने पहले 1 बनाया था सीधा, अब 2 बन गए, 1 जाली का बन गया। इस तरह हमारे ये 2 फंदे बन गए। शुरू में आगे के हिस्से में 3 फंदे हो गए। अब जाली के ऊपर वापस से हम जाली डालेंगे, तो ऊन को आगे करते हैं और इस फंदे पर 1 जाली बनाते हैं। अब ऊन को वापस आगे करते हैं और जाली बनाते हुए बीच में हमने बाजू के 2 बनाए थे, अब हमारे 4 फंदे हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से 2 जालियों के हमारे 1-1 फंदा आ गया, तो बीच में 4 हो गए। इस तरह हमारे ये अभी 4 फंदे हम जाली बनाते हुए बना लेते हैं। इस तरह हम जाली के ऊपर जाली डालते हुए, इस तरह हमारी ये दूसरी जाली बन गई है। इस तरह जाली के ऊपर जाली बनाते हुए हम इसमें 3 जाली बनाते हुए इन रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसे चोली को बनाना देख सकते हैं पूरी तरह से। इस तरह इसमें हमने 3 जालियाँ बना ली, 1, 2 और 3। 3 जालियाँ बनाने के बाद अब इसमें हम बाजू बनाते हैं। इसमें हमारे कुल 38 फंदे हो जाते हैं। आगे की तरफ इसमें हमारे जाली वाले फंदे को छोड़ के 5 फंदे हो जाते हैं, बाजू में बीच में 8 हो जाते हैं, फिर जाली का फंदा, फिर पीछे भी 8 फंदे हो गए, फिर जाली का, फिर 8, फिर जाली का, आगे की तरफ 5 फंदे। इस तरह हमारे इसमें 38 फंदे हो जाते हैं। अब शुरू में हम पहला फंदा उल्टा बनाते हैं, फिर हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे। 4 फंदे सीधे बनने के बाद हमारे जाली का फंदा, इसे भी हम आगे की तरफ बना लेते हैं। तो आगे की तरफ हमारे अब इसमें 6 फंदे हो गए। अब 8 फंदे हम बाजू के घटा देते हैं। तो घटाने के लिए पहला फंदा हम बनाते हैं, दूसरा भी बनाते हैं और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। इससे हमारा पहला फंदा घट गया, फिर हम दूसरा भी घटा लेते हैं इस तरह ही। इस तरह हम 8 फंदे घटा लेते हैं। आठ फंदे घटने के बाद हमारे पीछे के फंदे आ गए। पीछे के हम सभी फंदे बना लेंगे। वापस से हम 8 फंदे दूसरी बाजू के घटा देते हैं।
आठ फंदे हमारे दूसरी बाजू के भी बन गए। इस तरह हमारी दोनों बाजुओं बन जाती हैं। अब बाकी के फंदे हम बना लेते हैं। लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह हमारे ये दोनों बाजू बन गई। अब हम पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेते हैं। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम साथ में बना लेंगे। अभी बाजू बन गई तो इस वाले फंदे को साथ में बना लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा हम खींच के ले लेते हैं जिससे आपस में फंदे जुड़ जाते हैं। इस तरह मैं पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ और उल्टी सिलाई निकालने के बाद इसमें एक सीधी और एक उल्टी सिलाई निकाल के इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने इसमें दो सिलाइयाँ निकालनी है, एक उल्टी और एक सीधी। अब वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में अब हमारे इसमें कुल 22 फंदे हैं। हम इसमें सात फंदे और बढ़ा लें तो हमारे इसमें 29 फंदे हो जाएंगे, 29 फंदे हो जाएंगे। तो मैं पहला फंदा बना लेती हूँ, फिर दूसरा बना लिया, फिर मैंने कहीं भी हम सात फंदे बढ़ा लेंगे। फंदे बढ़ाने के लिए हम जो फंदा होता है उसमें पहले एक बार पीछे से बनाते हैं, एक बार आगे से। एक ही फंदे को हम दो बार बना लेते हैं तो हमारा एक फंदा बढ़ जाता है। इस तरह मैं इसमें एक का दो करते हुए सात फंदे बढ़ा लेती हूँ और इसमें हमारे कुल 29 फंदे हो जाएंगे, 29 फंदे हो जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें मैंने सात फंदे बढ़ा लिए, अब हमारे 29 फंदे हो गए। अब हम वापस से सीधी सिलाई में आ गए। यहाँ से हम अपने घेरे की डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो घेरे की डिज़ाइन डालने के लिए इसमें हम एक तीन इस हिसाब से हम इसमें डिज़ाइन डालते हैं। तो पहला फंदा मैं उल्टा बनाती हूँ, उसके बाद शुरू के तीन फंदे, इसके बाद तीन फंदे होते हैं जिनमें हम घेरे की डिज़ाइन के लिए पत्ती बनाते हैं। तो इसमें पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं, जो हमारा दूसरा फंदा है उसके दोनों तरफ जाली डालेंगे। तो जाली डालने के लिए उनको आगे करते हैं, फिर इस फंदे के ऊपर जाली बनाते हैं एक, फिर इस वापस उनको आगे करते हैं और अगले फंदे को बना लेते हैं। इस तरह हमारे तीन के पाँच फंदे हो गए। तो हमारी पहली पत्ती बन गई। वापस से उनको आगे लेते हैं और फिर एक फंदे को हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह हमारा ये एक पत्ती बन गई। वापस उनको आगे लेते हैं, फिर वापस से तीन फंदे हैं उनमें हम डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं, ऊन को आगे लेते हैं, दूसरे फंदे पे दोनों तरफ जाली बनाते हैं। एक जाली बनाई, ऊन को वापस आगे लेते हैं और दूसरी जाली बनाई। इस तरह हमारे अगली भी तीन के पाँच हो गए, इस अगली पत्ती बन गई। ऊन को आगे लेते हैं, फिर हम उनको फंदे को उल्टा बनाते हैं। इसी तरह एक और तीन करते हुए हम पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। इसमें हमारी सात पत्तियाँ बनेंगी। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। इस हमने पूरी सिलाई निकाल ली है। लास्ट में हमारा वापस से वही उल्टा एक फंदा आता है। अब जो हमारी उल्टी सिलाई होती है उसे हम पूरी को उल्टी निकालते हैं। तो इस सिलाई को मैं पूरी को उल्टी निकाल लेती हूँ। इससे मैंने इसमें उल्टी सिलाई निकाल ली। जहाँ बीच में हमारा एक फंदा उल्टा है वहाँ हमको उल्टा ही बनाना है। अब जहाँ पे तीन फंदे से डिजाइन बनाई थी वहाँ पाँच हो गए। अब हमें एक जाली बनानी है। अब जाली के ऊपर हमें वापस से जाली बनानी है। तो पहला फंदा हम उल्टा बनाते हैं। शुरू में हमने एक फंदा बनाया था, एक जाली का हो गया तो हमारे दो फंदे हो गए, जैसे हम अपनी चोली में बनाते हैं। उसके बाद हमारा ये जाली वाला फंदा आ गया। तो इसके दोनों तरफ हम जाली डाल लेंगे। एक जाली डाली और दूसरी जाली डाली। तो एक फंदा तो जाली का बनाते हैं, एक अगला बनाते हैं। अभी वापस से हमारा उल्टा फंदा आ गया तो इसको हम वापस से उल्टा बना लेते हैं। आगे फिर हमारी पत्ती आ गई। वो शुरू में हम दो फंदे बना लेंगे, पहले एक बनाया था, इस बार दो बनेंगे। फिर जाली के ऊपर वापस से हम जाली डाल लेते हैं। इस तरह मैंने दूसरी जाली भी डाल ली और वापस से हमारा उल्टा फंदा आ गया, इसको हम उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमारी इसमें दो जाली बन गई। अब मैं इसमें इस तरह से तीन जालियाँ डाल के, एक और एक दो तो बन गई, तीसरी जाली डाल के और इसमें उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट करके ले आती। इस तरह इसमें मैंने तीन जालियाँ बना ली। तो हमारी इस तरह से इसमें तीन जालियाँ बन गई, एक दो और ये तीन। अब हमारी ये जाली तो हमने बनाना बंद कर देंगे, हम इसमें फंदे घटाने लगे। तो इसमें वैसे फंदे तो घटेंगे नहीं जो हमने पत्ती बनाई थी, उस पत्ती में फंदे घटेंगे और हमारे जो उल्टे फंदे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो पहली सिलाई तो हम ऐसे निकालते हैं। तो पहले मैंने फंदा उल्टा बनाया, फिर अब इसमें पत्ती में जो हमारे नौ फंदे हो गए, शुरू में हमने तीन बनाए थे, फिर पाँच, फिर सात, अब नौ फंदे हो गए हमारी पत्ती में। तो इस पत्ती में हम घटाते चलेंगे। जैसे हमने इस ड्रेस में बनाया, शुरू में हमारी तीन जालियाँ बनाई थी, उसके बाद हमने ऊपर की तरफ ये फंदे घटा दिए, तीसरे पत्ती की शेप आ गई और बीच में हमारे उल्टे फंदे बढ़ते जाते हैं। तो अब मैं यहाँ से फंदे घटाऊंगी। मैंने पहला फंदा जो हम उल्टा बनाते हैं उल्टा बना लिया।
अब पत्ती में से हमें एक फंदा उल्टा बनाना है, तो उसको लेने के लिए हम जिधर से हम शुरू करते हैं उधर हम पीछे की तरफ से फंदा लेते हैं। तो पीछे की तरफ से मैंने फंदा दूसरी सिलाई में डाल लिया, आगे वाले फंदे को अपनी पहली सिलाई में वापस डाल लेते हैं। इस फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ, तो हमारे शुरू में दो फंदे उल्टे हुए। अब ऊन को पीछे ले जाते हैं, अब ये छः फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बना लिए। अब हमारे दो फंदे सीधे बन गए, दो में से एक फंदा तो हमारा उल्टा चला जाएगा और एक फंदा हमारे फली में ही आ जाएगा। तो इसके लिए अब हम फंदे को आगे से लेते हैं, इस फंदे को हम आगे से लेते हैं, अपनी इधर वाली सिलाई में डाले तो पीछे वाले फंदे को हम अपनी दूसरी सिलाई में डाल लेते हैं इस तरह से। तो ये क्रॉस हो जाता है और अब इसको हम बना लेते हैं, इसको सीधा बना लेते हैं। तो हमारे ये वापस से सात फंदे हो गए। और इस फंदे को हम ध्यान रखते हैं कि इसमें बल ना पड़ जाए, सीधा जैसे बनता है वैसे बनाना है। तो ये सात हो गए। अब हमारे बीच में एक फंदा उल्टा बनाते थे, तो दो तो हम बना लेंगे, एक तो इस वाली फली का, अब बीच में जो हमारा था एक, दो उल्टे। अब तीसरा फंदा हम अगली फली से लेंगे, तो अगली फली से लेने के लिए हम वही पीछे से लेते हैं, पीछे से फंदा लेंगी, आगे वाले फंदे को दूसरी सिलाई में डाल लूँगी। इस तरह से मैं इसमें तीसरा फंदा भी उल्टा बना लेती हूँ। इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बन गई है। अब हम इसमें छः फंदे बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हमने बना लिए। सातवां फंदा बनाने के लिए हमें वापस से हमारे दो फंदे में से आगे की तरफ से फंदा लेना पड़ेगा। शुरू करते हैं जब पीछे से लेते हैं, और जब हमारी ये पत्ती पूरी होती है जब आगे से लेते हैं। आगे से मैंने फंदा पहली सिलाई में ले लिया, पीछे वाले फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में डाल ली और इस फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ। इस तरह हमारी दूसरी पत्ती बन गई। अब वापस से हम अपने तीन फंदे बनाएंगे उल्टे, दो फंदे हमने बनाए, तीसरा फंदा अपनी अगली पत्ती से लेते हैं, तो हम पीछे से लेते हैं, अगले फंदे को अपनी इस सिलाई में डाल देते हैं। इस तरह से ये तीन फंदे हो गए। वापस से हम अपनी पत्ती बनाएंगे, इस तरह मैं इसे पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी निकलती है, तो वो भी मैंने निकाल ली। इसमें सभी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी ही निकलती हैं। अब वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, तो शुरू में हमारे दो फंदे उल्टे हो गए। अब इन दो फंदों में पहले एक फंदा बनाएंगे और दूसरा फंदा है उसमें एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो एक के दो तो यहाँ हो जाते हैं हमारे, तो तीन हो गए। अब जो एक फली वाला जो हमारे पत्ती है उसमें से एक फंदा लेना है, तो यहाँ पे शुरू में हमारे चार फंदे हो जाएंगे। तो मैंने पीछे से ले लिया, एक तो जो हमारा फली में से आएगा वो लेना है, एक फंदा हमको बढ़ाना है हर बार। तो मैंने फंदा ऊन पीछे ले ली, तो ये चार फंदे हो गए। अब मैं इसमें पाँच फंदे बना लेती हूँ, दो तीन चार, चार फंदे तो बना लिए मैंने। पांचवा फंदा हम आगे से लेंगे, आगे से मैंने ले डाल लिया और पीछे वाले फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में डाल लिया। इस फंदे को मैं बना लेती हूँ, फिर हमारे बीच में पत्ती में पांच फंदे हो गए। अब सेंटर में हमारे पिछली बार हमने तीन बनाए थे, तो इस बार हमारे पाँच फंदे बनेंगे। तो एक एक दो, दो फंदे तो ये हो गए हमारे, एक फंदा हम बढ़ाएंगे। एक में यहाँ पे एक का दो कर लेती हूँ, एक एक दो और एक ये। इस तरह हमारे इसमें पांच फंदे तो हो गए, लेकिन एक फंदा हमने बढ़ाया इसलिए एक फंदा हमें पत्ती में से लेना है, तो बीच में हमारे छह फंदे हो जाएंगे। तो मैं एक फंदा पीछे से ले लेती हूँ, इस तरह हमारे छह फंदे हो गए। अब वापस से हम पांच फंदे बनाएंगे सीधे, दो तीन चार, और पांचवा फंदा हम आगे की तरफ से लेंगे, इस फंदे को पीछे ले लेंगे। और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारे पांच फंदे बन गए। अब वापस से हम पांच फंदे उल्टे बनते हैं हमारे, लेकिन एक फंदा हम बढ़ाते हैं तो इसमें हमारे छह फंदे हो जाते हैं, तो एक का दो करके मैं इसमें फंदे बढ़ा लेते हैं। इस तरह हमारे ये छह फंदे हो जाएंगे। इस तरह शुरू में हमारे हमारी बीच वाली पत्ती की जो डिजाइन बनती है वो तो घटती जाएगी, पत्ती की ले लेगी, और बीच में जो हमारे उल्टे फंदे बढ़ते हैं उसमें हम पांच फंदे बनेंगे, तो हम एक एक फंदा बढ़ा लेते हैं, तो हमारे छः छः फंदे हो जाएंगे। जो हम ये बीच में उल्टा बनाते हैं, उल्टा उल्टा, इसमें हम एक एक फंदा बढ़ाते हैं, तो पहले एक बनाते थे फिर तीन बने। जब अगली सिलाई हमारी पाँच की बनती है उल्टी उल्टी की, उसमें एक फंदा बढ़ा लेते हैं तो हमारे छः फंदे हो जाते हैं।
इस तरह मैं ये लाइन भी कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी और उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने उल्टी सिलाई भी पूरी निकाल ली है अपनी। अगली सिलाई में आ गए, हमारे पत्ती में 5 फंदे हैं, अब 5 में से 3 फंदे हो जाएंगे। पिछली सिलाई में तो हमने जहाँ उल्टे उल्टे बनाए थे वहाँ 1 फंदा बढ़ाया था, इस सिलाई में हम बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो शुरू में हम 4 फंदे तो हमारे थे जो बना लेते हैं, और 1 फंदा हमको अपनी पत्ती में से लेना है, तो पीछे से लेंगी मैं। आगे के फंदे को दूसरी सिलाई में डाल लूँगी, तो शुरू में हमारे 5 फंदे हो जाते हैं। अब हमारी पत्ती में 3 फंदे बचते हैं, और एक एक दो तो बना लिया मैंने, 1 फंदा हम आगे से लेंगे। पीछे वाले फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में डाल लेती हूँ। इस तरह हमारे ये 3 फंदे, तो हमारी पत्ती में अब 3 फंदे बचे। अगली सिलाई में हमारे इसमें 1 फंदा बचेगा और हमारी पत्ती पूरी हो जाएगी। बीच में हम फंदे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हो गए। 8वां फंदा हम अपनी पत्ती में से लेते हैं, जो पीछे की तरफ से लेंगे। इससे हमारे इसमें ये 8 फंदे हो गए। फिर बीच में हम पत्ती में अपने 3 फंदे बनाते हैं, 2 तो हमारे बन जाते हैं, 3रा फंदा हम अपने अगले फंदे से लेते हैं, इस वाले फंदे को इसमें डाल लेते हैं। इस तरह हमारा ये 3 फंदे हो गए। इस तरह हमारी ये पत्ती घटती जाती है। तो इस तरह मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद उल्टी सिलाई निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैंने दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं, और हमारी फली में 3 फंदे बचे हैं पत्ती में, तब इनका 1 कर लेंगे। अब इस बार हम वापस से अपनी उल्टी उल्टी सिलाई वाले फंदे, उनमें एक एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो शुरू में हम 2 3, ये हमारे 5 फंदे होते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे। 1 फंदा तो हम बढ़ा लेते हैं, 1 का 2 करके 6 हो गए, ये हमारे 3 और 3 6 फंदे हो गए। 1 फंदा हम अपनी फली में से ले लेते हैं, तो पीछे की तरफ से मैं फंदा ले लेती हूँ फली में से, तो हमारे यहाँ पे शुरू में 7 फंदे हो गए। अब हमारी ऊन को ले जाते हैं हम पीछे। अब हमारा जो ये फंदा है फली वाला, अब अगला फंदा आ गया हमारा, तो अगले को आगे से लेंगे, इसको वापस से हम पीछे की तरफ से पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को हम बनाएंगे। इस तरह हमारी ये फली बंद हो जाती है पत्ती, इस तरह हमारी पत्ती बंद हो जाती है। अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, उल्टे उल्टे फंदे बनाते हैं, उसमें 1 फंदा तो हमें बढ़ाना है। और एक हमारा फली पत्ती वाली में से जहाँ हम फली बनाते हैं उसमें से 1 फंदा हमको ले लेना है। तो मैं इसके पीछे से फंदा लेके से बना लेती हूँ, आगे वाले फंदे को दूसरी सिलाई में डाल लेती हूँ, उल्टा बना लिया। इस तरह हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है, भैया उल्टे बीच के फंदे। अभी हमारे पत्ती के 2 फंदे बचते हैं, तो इस वाले आगे वाले फंदे को हम आगे से लेते हैं और पीछे वाले को वापस से पीछे ले जाते हैं, क्योंकि 3 फंदे हैं तो ये बनेगा तो नहीं, पीछे चला जाएगा, तो इधर वाला फंदा ही बनेगा। 1 फंदा मैं बना लेती हूँ, अभी वापस से हमारे सारे फंदे उल्टे बन जाएंगे। इस तरह से हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो जाएगी, और बीच में 1 फंदा हम और बढ़ा लेते हैं। इस तरह हमारी ये पत्ती इस तरह से बन जाती है। तो मैं इसे अब पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ, उल्टी सिलाई भी निकाल लेती हूँ। इस तरह मैंने ये दोनों सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अब हमारी सिलाई में कुल 87 फंदे हो गए, 87 फंदे हो जाते हैं इसमें। अब इसमें हम 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे और चौथी सिलाई में हम फंदों को घटा देंगे। तो तीनों सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी निकाल लेती हूँ इसमें। इसमें हमने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली, हमारी पत्ती के ऊपर इस तरह से 2 लाइन बन जाती है। अब उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो पहला फंदा हम उल्टा बनाते हैं, वापस से इसको अपनी पहली वाली सिलाई में डाल लेते हैं और 2 का 1 बना देते हैं। वापस से सिलाई में डालते से 2 का 1 कर लेते हैं, और ये फंदे हम थोड़े ढीले हाथ से घटाते हैं, जिससे हमारा टाइट टाइट ना हो। इस तरह घटाने से हमारी इस तरह की ऊपर लाइन सी बन जाती है। तो मैं इस पूरी को घटा लेती हूँ। इससे मैंने सभी फंदे घटा लिए हैं, अपनी ऊन को कट कर लिया है। लास्ट वाले फंदे में से अपनी ऊन को निकाल के इसमें इस तरह से गांठ लगा लेते हैं। अब इससे हम आगे की तरफ से सिलाई कर लेंगे।
आप चाहें तो इसे खुला भी रख सकते हैं। उल्टी तरफ से एक बार इधर से सुई डाल के दूसरी बार इधर से डालते हुए हम इसे सिल लेते हैं। इस तरह मैं इसे पूरी को सिल लेती हूँ। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। मैंने पीछे से पूरी को सिलाई कर लिया है। बनने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से बन जाती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।